ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग ईश्वर की खोज क्लास में आज जानेंगे कि ईश्वर कौन है। भगवान, ईश्वर को हम लोग कई नामों से जानते हैं, भगवान भी बोलते हैं, अल्लाह भी बोलते हैं, गॉड भी बोलते हैं, या भगवान के बहुत सारे रूपों के नाम से भी जानते हैं, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इन सभी को हम लोग ईश्वर कहते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानेंगे कि वास्तव में ईश्वर कौन है और ईश्वर अगर हैं तो कहाँ है। हमेशा हमारे मन में एक सवाल उठता है और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के मन में भी एक सवाल उठता है कि अगर ईश्वर हैं तो बुलाने पे आते क्यों नहीं है। अगर हम बात करते हैं राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, सभी भगवानों का, ईश्वर का बात करते हैं, जैसा हम लोगों ने टीवी में देखते हैं और टीवी में देखने के बाद हम लोगों के अंदर जो चित्रण बनता है, ऐसा लगता है कि लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद ईश्वर मिलते होंगे या मिल जाते हैं। राम आए तो राम दोबारा, जब राम इस संसार को छोड़ के चले गए तो क्या दोबारा राम किसी रूप में यहां पे आएंगे? आखिर जाने के बाद कितने बार राम यहां पे पहुंचे? तो हम लोग कहते हैं कि राम उसी रूप में नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई बार आए। जैसे हम लोग जानते हैं कि विष्णु के 24 अवतार है और उस 24 अवतारों में से एक अवतार राम की है और भगवान राम जो है ओ, उन्हें जब हम लोग आस्था से पूजा करते हैं, आज हम लोग भगवान राम के बारे में जान लेते हैं कि जब हम भगवान राम को पूजा करते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि भगवान राम जो है वो हमारे पास आएंगे, उसी रूप में आएंगे, ये तो जरूरी नहीं है। या क्या हम भगवान राम को पूजा कर रहे हैं तो क्या भगवान राम सच में प्रकट होने वाले हैं? कहा जाता है कि जो महान व्यक्ति होते हैं, उनकी पूजा नहीं होती है बल्कि उनके आदर्शों की पूजा होती है। उनके अंदर जो आदर्श है उन आदर्शों को अपनाया जाता है, तब जाके हम कहीं सच्चे में राम भक्त कहलाते हैं। राम भक्त उसको नहीं कहते हैं कि राम के नाम पे अनंत पाप करे तो राम भक्त नहीं है, और कहे कि मैं अनंत बहुत ज्यादा पापी हूं लेकिन फिर भी मैं ईश्वर का भजन करता हूं और ईश्वर का शरण में हूं इसलिए मेरे पाप जो हैं वो हट जाते। आप जो करते हैं उन आपको मिलेगा, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मिलना तय। वेदों के अनुसार बात करें ईश्वर की तो वेदों के अनुसार ईश्वर उसे कहते हैं जो ये पूरे संसार की रचना किए, ये पूरे सृष्टि को बनाए हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं। और वेदों के अनुसार इस पूरे संसार को जो है जो रचना किए हैं उन्हें ब्रह्मा बोलते हैं, ब्रह्म पिता बोलते हैं, वैष्णव बोलते हैं, शिव बोलते हैं, अनेक नामों से बोलते उन्हें जानते हैं। यानी ईश्वर एक है लेकिन ईश्वर के स्वरूप अनेक है, अनेक रूपों में वो है। ठीक उसी प्रकार आप समझ सकते हैं जैसे
बरगद का पेड़ जो बहुत विशाल है और उसमें अनगिनत पत्ते हैं, अनगिनत टहनियां हैं, अनगिनत जो है वो डाली है, अनगिनत जड़े हैं, उसका पूर्ण रूप से उसमें पूरा पौधा जो है एकदम भरा पूरा है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर है, जो ईश्वर है उस अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, जिसको इन्फिनाइट कोई नहीं जानता है, और उसी से सारा दुनिया का निर्माण हुआ है और उन्हीं में फिर सारी दुनिया समा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ईश्वर है वो पूरा सृष्टि की रचयिता है और सृष्टि की रचयिता होने के कारण पूरा सृष्टि उनमें समा हुआ है और सृष्टि में ईश्वर समा हुआ है। कहने का मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कण कण में ईश्वर की वास है, तो यही कण कण में ईश्वर है और वो कण कण जो है ईश्वर में है। तो हम लोग जाने वेदों के अनुसार कि ईश्वर कहाँ है, तो वेदों के अनुसार ईश्वर जो है वो सभी जगह है। और ईश्वर कौन है, तो जो इस सृष्टि की रचना किए हैं उन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम भगवान राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या सच में भगवान राम उसी स्वरूप में आज भी हमें दर्शन दे सकते हैं। जरूर देंगे, मैं बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।